कसराबाद मध्य प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री और कसराबाद के विधायक सचिन यादव के निर्देश पर आज मंगलवार को बारिश और नदी नालों के पानी से बर्बाद हुई फसलों का सर्वे कराकर शीघ्र शत प्रतिशत मुआवजे की मांग को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कसराबाद के अध्यक्ष परसराम यादव ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। ये ज्ञापन नायब तहसीलदार पंकज जाट को सौंपा गया है। प्रदेश के साथ ही तहसील कसराबाद में विगत दिनों हुई बारिश और नदी नालों के कारण किसानों की फसल बर्बाद जो हुई है उसके मुआवजे की मांग की गई है। साथ ही वर्तमान में बुरे दौर से किसान गुजर रहा है और प्रदेश की गूंगी बहरी भाजपा सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है, जिसको लेकर उनकी मांग है कि किसानों को राहत पहुंचाई जाए। लेकर ज्ञापन दिया है, किन क्षेत्र में नुकसान हुआ है और क्या मांगे? पिछले दिनों हमारे कसराबाद विधानसभा क्षेत्र में भारी बारिश हुई, जिसके कारण नदी नाले उफान पर आए, किसानों के खेत में पानी भरने के कारण किसान की पूर्ण रूप से फसल बर्बाद हो चुकी है। और इसी को लेकर हमारे माननीय विधायक सचिन भाई यादव के द्वारा एक दल का गठन किया गया था, जिसमें हमारे ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, हमारे जिला पंचायत के सदस्य और जनपद प्रतिनिधि मिलकर उस दल ने सर्वे किया और वास्तव में इस अतिवृष्टि के कारण किसान बर्बाद हो चुका है। क्योंकि हमारे यहाँ आदरणीय सुभाष जी यादव ने इस क्षेत्र को हरा भरा कर दिया है और उसी का परिणाम है कि हमारे यहाँ बुआई गर्मी में हो जाती है और गर्मी में बुआई आज किसान का कपास लगभग 2.5 महीने का हो चुका है, जब उस पर फूल और झेंडा बनने की स्थिति आई है। ऐसी स्थिति में किसान की पूर्ण रूप से फसलें बर्बाद हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के कारण सरकार कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है और सरकार को जगाने के लिए आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने माननीय राज्यपाल के नाम अनुभागीय अधिकारी महोदय को आज ज्ञापन प्रेषित किया है, ताकि हमारे किसानों को पुनः बुआई के लिए बीज उपलब्ध हो सके और उनकी फसल बर्बाद जो हो चुकी है उसका मुआवजा उनको मिले और जो ऋण हमारे किसानों पर है उस ऋण को भी अभी स्थगित किया जाए। इसी मांग को लेकर आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा हमने ज्ञापन प्रेषित किया है।